पूर्णिया में राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव समेत 6 से अधिक वरिष्ठ नेताओं के साथ 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने एक साथ राजद से इस्तीफा दे दिया। वहीं चुनावी तैयारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा से ठीक पहले एक साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के इतने बड़े स्तर पर हुए इस्तीफे से पार्टी में खलबली मच गई है। सामूहिक इस्तीफा देने वालों में राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, जिला महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, नवीन कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कांत झा, नवीन कुमार भारती, विनोद स्वर्णकार, विजय यादव, अशोक गोस्वामी और गंगा यादव सरीखे नेताओं सहित करीब 100 कार्यकर्ता शामिल हैं। शहर के माधोपुरा स्थित निज आवास में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिले के राजद के जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि वे और उनके साथ के नेताओं ने पार्टी को सींचा और मजबूती दी, मगर पार्टी में ना वरिष्ठ नेताओं की कदर है और ना ही कार्यकर्ताओं की। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उनकी बातों की अनदेखी कर रहा था। स्थानीय स्तर पर जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया वे इससे काफ़ी नाराज थे। लगातार उनके बातों की अनदेखी की जा रही थी। यही वजह रही कि वे और उनके साथ के नेताओं ने पार्टी से करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक इस्तीफा का निर्णय लिया। राजद के जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने माधोपुरा स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए राजद नेतृत्व के प्रति नाराजगी जाहिर की। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए भी वे सच से पीछे कभी नहीं हटे हैं और ना ही हटेंगे। उन्होंने कहा कि राजद मनुवाद के बजाय मुनिवाद की पार्टी बन गई है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी के पास अभी भी इस पर विचार करने का पूरा वक्त है। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि हम समाजवादी में जिला अध्यक्ष लंबा समय तक रहे। अरे टोटो क्या, समाजवादी में भी जिला अध्यक्ष जो रहे तो महागठबंधन के साथ ही लोग चलते रहे। महागठबंधन में आरजेडी को ही मदद करते रहे। कुछ दिन के बाद हम लोग समाजवादी छोड़ के समाजवादी जनता दल भी बनाए थे, उसमें भी हम लोग चल रहे थे। और हम लोग वहाँ पर भी आके फिर समाज क्या कहते हैं महागठबंधन में आके सहयोगी उसका बने रहे। और कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों को के शीर्ष के नेता से बात की है। बात करने के बाद हम लोगों से भी बात विचार हुई। बात विचार होने के बाद हम लोग अपनी पार्टी को भी जाके उसके साथ विलय कर गए आरजेडी में। तो आरजेडी में आज विलय करने से भी लमसम आपका 3 साल करीबन हो चुका है। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के वर्कर थे और देवेंद्र बाबू के साथ हम लोग चलते थे। आज आप लोगों की बुलाने की आवश्यकता पड़ गई कि आज हम लोग इस्तीफा देने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। जितनी सारी कार्यकर्ता मेरा है उस सब कार्यकर्ता के साथ आज सब आदमी इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, महागठबंधन में से आरजेडी कहते थे हम ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं ए टू जेड की पार्टी ये नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। अब परिवारवाद में ही ये सिमट गए हैं। अगर परिवारवाद नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज कितना खून पसीना गाढ़ी कमाई मेहनत से हम लोग पार्टी को सींचे, सींच के यहाँ तक लाए। कभी हम लोग दम नहीं मारे। रात क्या हो दिन क्या हो पटना से लेकर पूर्णिया तक हमेशा सभी कार्यक्रम में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वाकांक्षी आक्षा रखने वाले व्यक्ति जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे साइड किया जाए, ये हमेशा बड़ी पार्टी यहाँ चली रही। हम तो सोचे थे कि जहाँ हम आए हैं इस संगठन को बहुत मजबूत कर लेंगे। आज हम मजबूत नहीं कर पाए। आज इस बात का बहुत तकलीफ हो रहा है हमें। एक फांट नहीं कई फांट यहाँ लगा हुआ है। आज उसी महागठबंधन में से आरजेडी में से एक दल नहीं चल रहे, कई दल चल रहे हैं। सब में अपने तरफ चलता है। जो आगे बढ़ता है उसका पैर कैसे खिसा जाए इसकी भी बड़ी पार्टी यहाँ चलता रहा। दूसरा, हर कार्यकर्ता जो वर्क करते हैं एक उम्मीद लेकर करते हैं, एक आशा लेकर वर्क करते हैं। हम लोगों को समाजवादी जिस समय थे उस समय भी 3 सीट देने की बात किया था। अंत में 2 सीट की बात आई, लास्ट में वो 2 सीट भी चला गया। बाद में समाजवादी जनता दल में आए थे, हम लोग को वहाँ पर उसके साथ रहे।
पांच सीट देने की बात किया था, अंत में वह पांच सीट समाप्त कर दिया। अब हम लोग उसके साथ विलय करा लिए, विलय करा के उसके साथ गाड़ी पसीना खून दे के उसका मेहनत करते रह गए, लेकिन आशा थी कि हम लोग को भी कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन देखते क्या हैं, जो खून पसीना से सींचते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ज्यों का त्यों धरा रह जाता है, अब पैरासूट से जो है धन पशु आ जाते हैं। यहाँ तो हम लोग को लग रहा है गरीब कार्यकर्ता की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ धन पशु का ही जगह है। पैरासूट से आते हैं, चाहे किसी दल में रहे, दूसरे दल में रहते हैं और वो चले आते हैं, और जो मेहनत करके यहाँ रहते हैं वो नकारा चला जाता है। आज देखा जाए आपका झंझारपुर जैसे जगह, हम लोग जो देवेंद्र बाबू साथ आए थे वैसे महान कार्यकर्ता थे, आज महान कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उनका टिकट कैसे कट गया, ये देखने की चीज़ है। आप ले लीजिए कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए, वैसे व्यक्ति थे, कैसे उसका टिकट कट जाता है। आप देख लीजिए इनको निखिल कुमार सिंह का, कितना गद्दावर नेता थे, उसका टिकट कैसे कट जाता है। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं, आप जो तीन साल से यानी तीन टर्म कहिए साहेबुद्दीन साहब ताउम्र अपना जीवन वहाँ बिता दिए, लेकिन उसके मरने उपरांत एक भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने गए। इसके बाद वहाँ वर्क भी रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, उनके परिवार से संबंध भी नहीं साधा गया। लोग ये कहते हैं साझेदारी की बात, आज तो मुसलमान को भी टिकट देने की अगर बात कहिएगा तो टिकट क्या दिए, पूरा दो टिकट, अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी साझेदारी होती है, उसके हिसाब उसका हिस्सेदारी होना चाहिए, क्या उसका हिस्सेदारी दो ही टिकट है। आप हम तो कहेंगे वो टूजर की पार्टी कहते हैं, यहाँ तो माई समीकरण को भी ये बंधवा मजदूर बना दिया, ये समीकरण की बात करते हैं, ये बंधवा मजदूर बना कर रख दिया, उस स्थिति में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज बहुतों को आप पता कीजिए, अभी जो आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, जो फिरता परस्त के साथ थे, आज वो व्यक्ति आ जाता है और उनको जगह मिल जाती है, इससे क्या कहेंगे। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी समतामूलक की विचार की बात करते हैं, ये कहाँ समतामूलक की बात रहा, ये तो समतामूलक की राहत बात तो रहा नहीं। आज परिवारवाद में सिमट गए, परिवारवाद से अगर कहीं बढ़े हैं तो बता दीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बढ़ा। ये मनुवाद की बात करते थे, हम तो कहते हैं मनुवाद नहीं, अब मनिवाद में चले गए, मनुवाद नहीं है। अगर मनिवाद में नहीं जाते तो ये आज नहीं जाना पड़ता। आज बुलो मंडल जैसा व्यक्ति, आज उसने भी इस्तीफा दे दिया, आज देवेंद्र प्रसाद यादव जी कल भी हमारे इस्तीफा दे दिए, आज हम लोग भी सारी कार्यकर्ता के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें आपका जिला सचिव ये रह चुके हैं, आपका किसान प्रकोष्ठ का जो है ये जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो प्रधान महासचिव जिला का मिथिलेश दास जो है आपका वो रह चुके हैं, आप ये सब बाकी जितना है प्रखंड अध्यक्ष जो है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, शेष जो कुछ बचा है वो भी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। जो उम्मीद की किरण थी यहाँ, उसका उम्मीद का किरण नहीं है। ये टू जेड की पार्टी क्या बोलते हैं, ये कुछ टू जेड की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद में ही सुलटा हुआ। अगला कदम बात है राजनीति करते हैं, हमसे बहुत आदमी उम्मीद किए हैं, आशा की है, उसकी नई तैयारी हम लोग करेंगे, सोचेंगे, हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे इसके संबंध में। आप लोग किनको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करने की अभी कहीं कोई बात नहीं हो रही है, अब हम लोग फ्री उनके साथ हम लोग थे, जिला उपाध्यक्ष थे हम, आज जिला उपाध्यक्ष के पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे के हम फ्री हो रहे हैं, समाजवादी मूलक के विचार है, अब फिर समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी हम लोग जो फिरका प्रस्त ताकत के विरोध में काम करने आए थे, हम लोग को लगेगा कि नहीं समाजवादी विचारधारा जहाँ पाएगी हमको किन्हें किनको मदद करना होगा, हम लोग तो उनके विरोध में फिर खड़ा रहेंगे। अभी तो झड़ी ही लगी है, ढेर सारे आदमी इस्तीफा देंगे, अभी तो बहुत आदमी आरजेडी में जो हम तो अभी जो इस्तीफा दे रहे थे समाजवादी पार्टी से, हम लोग जो कार्यकर्ता थे समाजवादी से कार्यकर्ता को हम लोग जोड़े थे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे व्यक्ति है जो आरजेडी में पहले से हैं, वो भी हम लोगों से लाइनअप है, भैया आप दे रहे हैं आप भी, हम अभी हम आप लोग के साथ नहीं देंगे, हम लोग को जितना समाजवादी कार्यकर्ता हम लोग उसमें विलय किए थे, आज उनके साथ हम दे रहे हैं, आप लोग की बात होगी तो फिर बात होगी। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं आज तो हम उम्मीद करते हैं 100 से ऊपर की संख्या है। पूर्णिया में लीडिंग कैंडिडेट है बीमा भारती जी, संतोष कुशवाहा जी और पप्पू यादव, आगे की राजनीति आपका क्या होगा? देखिए हम लोग तो पहले से भी आरजेडी में भी थे, तो हम लोग थे क्या फिरता
फिरकापरस्त ताकत का विरोध में हम लोग काम कर रहे थे, आज भी हम लोग वही करेंगे। समता मूलक के साथ चलेंगे, जो गरीबों का मसीहा होगा, जो गरीबों को मदद करने आएगा, हम लोग उनको मदद करेंगे। हम लोग गरीब की पार्टी है, गरीब के साथ हम लोग। पप्पू यादव को समर्थन आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये बात अभी नहीं कर सकते। इसके पहले भी प्रेस किए थे, वो आए थे हम लोग के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हम लोग के साथ आए थे हम लोग, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। अब हम लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं, उस समय तो हम लोग के साथ थे, आपके नाम को भी बोल रहे थे कि हम धीरेन्द्र भाई को भी कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आज इस्तीफा दे के बड़ी हुए, इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, उस पर निर्णय लेंगे हम लोग। आगे आप लोग निर्णय लेकर आगे हम लोग आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने की किसी का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज सारी कार्यकर्ता को बुला है इस्तीफा देने के लिए। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, वहाँ से स्वतंत्र हो गया, अब हम लोग मदद करेंगे। इतना मैं बात कर रही हूँ, फिरकापरस्त ताकत के विरोध में हम लोग चलेंगे। जो व्यक्ति सीधी सी बात है कि एनडीए के विरुद्ध हम लोग चल रहे हैं, एनडीए जो आज जो यहाँ है उसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। तो जब तक आप तो आप आरजेडी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप तो जो है इस्तीफा भी दे दिया, तब तो एक ही कैंडिडेट जो है पप्पू यादव बनते हैं। वो देखिए, वो समय बताए, वो तो समय बताएगा, हम लोग अपना कार्यकर्ता नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।